अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है जस्टिस सरदार तारिक मसूद। सरदार तारिक मसूद एक पाकिस्तानी कानूनदान है जो 5 नवंबर 2015 से अदालत-ए-उज़्मा पाकिस्तान के मुंसिफ हैं। वो अदालत-ए-उज़्मा पाकिस्तान के दूसरे मुकद्दम तरीन मुंसिफ हैं। ये अब बात करते हैं सरदार तारिक मसूद की इब्तदाई जिंदगी और तालीम के बारे में। सरदार तारिक मसूद 11 मार्च 1959 को जिला रावलपिंडी की तहसील कल्लर सैयदा के गांव सरोहा के एक मोजिस घराने में पैदा हुए। कानून की डिग्री LLB करने के बाद सरदार तारिक मसूद ने 1985 में जिला रावलपिंडी में कानून की मशक शुरू की। 1987 में वो लाहौर अदालत आलिया में बतौर वकील दाखिल हुए। कई साल बाद वो 2008 में अदालत उज़्मा पाकिस्तान के वकील बन गए। अपने कानूनी कैरियर के दौरान उन्होंने रावलपिंडी में जिलाई अंजुमने वकला के सदर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। अदालत आलिया लाहौर की तकर्री। सरदार तारिक मसूद को 14 सितंबर 2009 को अदालत आलिया लाहौर की सायद मुनसिफ के अहदे पर फाइज किया गया और 11 मई 2011 को उनकी तकर्री की गई। मुनसिफ सरदार तारिक मसूद ने अपने दौर में बहुत से रिपोर्ट शुदा फैसले सुनाए और बहुत सी इंतजामी जिम्मेदारियां कबूल की। मुनसिफ सरदार तारिक मसूद खानेवाल, बिहाड़ी, पाकपतन और हाफिजाबाद अजला में मोइना मुनसिफ रहे। उन्होंने बार्स के साथ खुशगवार और हम आहंगी से काम करने वाले ताल्लुकात को बरकरार रखा। अपने कानूनी फराइज के अलावा उन्होंने अदालत आलिया लाहौर की इंतजामियाई जमात के रुकन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। वो अदालत मजदूरा, अदालत मंशियात और अदालत सारफ का तहफ़ के इंतजामी मुनसिफ भी रहे। अदालत उस्मा पाकिस्तान की तकर्री। मुनसिफ सरदार तारिक मसूद को 5 नवंबर 2015 को अदालत उज़्मा पाकिस्तान में तायनात किया गया। 10 मार्च 2024 को उनकी अदालत उज़्मा की मुद्दत पूरी हो जाएगी और वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की दयानत शक व शुबा से बालातर है और उन्हें कानूनी बरादरी और अवाम में बहुत इज्जत हासिल है। इस बात का सबूत इस वाक्य से मिलता है जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के उस इकदाम पर सख्त इस्तिस्ना लिया था, जब उन्होंने उनसे पूछा था कि उनके खिलाफ शिकायत के बारे में क्या करें। तफसीलात के मुताबिक 5 सितंबर को जस्टिस बंदयाल ने आमना मलिक की जानिब से मुअख्खरल जिक्र के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस मसूद को फ़ोन किया था और पूछा था कि उनके मुतालिक शिकायत का क्या किया जाए। अगले रोज़ जस्टिस मसूद ने जस्टिस बंदयाल के इकदाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें केस सुप्रीम आला अदालती कौंसिल पाकिस्तान को भेजना चाहिए था। ये शिकायत सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान की सदर आमना मलिक की जानिब से दायर की गई थी। शिकायत में जस्टिस मसूद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का मुतालबा किया गया था, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि जज ने 246 मिलियन रुपए की दौलत इकट्ठी की है, जबकि उनकी दौलत का बयान मुनासिब तौर पर साबित करने में वो नाकाम रहे हैं। शिकायत कुनंदा की तरफ से फौरी कार्रवाई पर जोर डाला गया, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए खातर ख्वाह दस्तावेजी सबूत की कमी एक मुकम्मल तहकीकात और मुमकिना तादीबी कार्रवाई का मुतालबा करती है। जस्टिस मसूद ने उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल को लिखे गए खत की नकल आला अदालती कौंसिल के मेंबरान को भी भिजवाई। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मसूद की जानिब से लिखे गए खत का मतन कुछ यूं था कि जस्टिस बंदयाल ने उनसे पूछा कि आमना मल की शिकायत पर क्या करें। मेरे खिलाफ शिकायत पर मुझसे बात करना मुनासिब नहीं है। मुझसे बात करने की बजाय बेहतर होता कि ये शिकायत आला अदालती कौंसिल के सामने रखी जाती। जस्टिस मसूद के खत में कहा गया कि मुझे आला अदालती कौंसिल पर मुकम्मल एतमाद है कि वो आयन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी।
जस्टिस मसूद के खिलाफ शिकायत उस वक्त सामने आई जब उन्हें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। याद रहे कि मार्च 2023 में पीबीसी पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जब उनका नाम आवाज़ वाले पैगामात फाश होने के हवाले से सामने आया था, जिसमें मुबैना तौर पर वो पंजाब के साबिक वजीर आला परवेज इलाही और दीगर लोग शामिल थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ दायर करदा शिकायत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये इकदाम अदालत उज़्मा के एक साथी जज को तहफ़ुज़ फराहम करने का एक हरबा है, जिसके रेफरेंस का फैसला जस्टिस सरदार तारिक मसूद कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कौंसल और कानूनी बरादरी किसी को भी अपने मज़मूम अज़ाइम और मकासद में कामयाब होने नहीं देंगे कि इस तरह का रेफरेंस दायर करके एक आज़ाद जज को निशाना बनाया जाए। उन्होंने जोर दिया कि शिकायत फौरी तौर पर वापस ली जाए, बसूरत दीगर कानूनी बरादरी हर सतह पर इसकी भरपूर मुखालफत करेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारूनर रशीद और पाकिस्तान की वकला बरादरी की आला तरीन बॉडी की एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने जस्टिस मसूद के हक में एक बयान जारी करते हुए उन्हें इंतहाई काबिल, रासतबाज और आज़ाद जज करार दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो दीगर वीडियोस की तरह पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।